हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो ऐतिहासिक कदम उठाया गया है नागरिकता संशोधन बिल के विषय में, तो जहां पर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में जो लोग रह रहे हैं, जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, उन लोगों के लिए जो कदम उठाया गया है, आप उसे किस प्रकार देखते हैं? नागरिकता बिल जो अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री भारत के और नरेंद्र मोदी जी ने जो ये लाया है, और उन्होंने बार बार ऐसे मीडिया के माध्यम से और हर ऐसे बार बार उन्होंने बताया है, इससे जो यहाँ के रहने वाले मुसलमान, ईसाई जो भी हैं उनके लिए नहीं है, ये जो हमारे हिंदू भाई जो हैं, जो हमारे दूसरे देशों में रहते हैं, जो बंटवारे के पहले, अभी पाकिस्तान का उन्होंने उदाहरण दिया कि 22% हिंदू थे, आज 3% पे आ गए। बांग्लादेश का उन्होंने उदाहरण दिया, 16% थे, 1% पे आ गए। तो उन्होंने पूछा कि ये हिंदू कहाँ गए, हिंदू या मारे गए या धर्मांतरण कर दिए गए। तो उनके संरक्षण में, उनके लिए उनके हित में, उनके लिए ये बिल लाया गया है, यहाँ के मुसलमान और यहाँ के जो हैं उनके लिए नहीं है। जो हमारे हिंदू भाई जो हमसे बिछड़ के दूसरे देशों में रहते हैं और उनके ऊपर अत्याचार होता है और सब कुछ किया जाता है, उनके संरक्षण में ये बिल है। तो यहाँ के मुसलमान, यहाँ के ईसाई, जो यहाँ के और भी जो लोग हैं, वो इस बिल के विरोध में जो विरोध करते हैं, वो फालतूगिरी है, ये उनके लिए नहीं है। उनको भड़काया जा रहा है, बलगाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा और जो इस देश को तोड़ने वाले संगठन है, जो उनके द्वारा ये सब उनको षड्यंत्र का भाग बनाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी के द्वारा बंटवारे की राजनीति की जा रही है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के द्वारा 1947 में जो बंटवारा हुआ, वो क्या बीजेपी ने करवाया था? वो तो कांग्रेस ने ही करवाया था, कांग्रेस के लोग थे उस समय जो करवाया था। वो जो बंटवारा हुआ, आज मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है कि वह बंटवारा धर्म के आधार पर ही था, हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंटवारा हुआ था। तो जब पाकिस्तान को दिया गया तो उसको मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया गया, तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया गया? विषय वहाँ से ही खराब किया गया है। और बार बार कैसा धर्मनिष्ठ खाली हिंदुओं को दबाया गया है। आज बहुत हिंदू भारत होने के बाद भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हमारा भारत एक दिन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, उसी के लिए उन्होंने एक मुहिम शुरू की, मेक इन इंडिया। लेकिन उसे अभी देखा गया कि राहुल गांधी ने एक सभा में उसे मजाक उड़ाते हुए उसको रैप इन इंडिया कहकर पुकारा गया है और उसके मजाक उड़ा है, इस पर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी को हम लोग देख रहे हैं, 2014 से उनको देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। उनका कैसा है कि उनका तो मीडिया ने नाम भी पप्पू रखा है। अभी पप्पू के वक्तव्य पे जो ऐसे उन्होंने देश के बदनाम करने वाले पे है, तो उनसे लोगों की अपेक्षा उतनी है कि उनके पास जो उनका विवेक है उतना ही विवेक उनके पास है, तो इसलिए वो देश का मान गिराने में लगे हैं। अभी आज तो सुनने में भी आया कि उन्होंने विदेश में कुछ देश विरोधी कुछ बीजेपी के किया, उसमें पाकिस्तान मीडिया का सहारा लिया, पाकिस्तानी मीडिया के सहारे से उन्होंने देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी से तो हमारी उम्मीद ही इतनी है कि वो देश के लिए हमेशा गलती करते रहते। कांग्रेस और मुसलमान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा जहां पर सिर्फ हिंदू ही रहेंगे और मुसलमानों को यहां से हटाया जाएगा, इस प्रकार की भ्रांति फैलाई जा रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? आप मीडिया के माध्यम से और समाज में अभी जो हम करते हैं, आपको ऐसा लग सकता है क्या कि ऐसा किसी को भगाया जा सकता है? ये जो है मुमकिन नहीं है। खाली कांग्रेस के द्वारा और मुसलमानों को और ऐसे भड़का के जो है सांप्रदायिक माहौल खराब करके देश का माहौल खराब करने का एक प्रयत्न है और कुछ भी नहीं है। बीजेपी का ऐसा कोई मंशा नहीं, बीजेपी ने बार बार मीडिया के माध्यम से इसको रखा है।